सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच में क्राउड का शोर इतना ज्यादा था कि कुछ लोग गूंगे तो कुछ लोग बहरे हो गए। ये मैच इतना थ्रिलर हुआ कि एक बेटे को अपने माँ की बीपी की टैबलेट्स खानी पड़ी। आरसीबी के हार के बाद एक यूजर ने कहा कि आरसीबी में मैं अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि अगर कोई धोखा खाने का कंपटीशन होता तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल होता, वैसे ही अगर कोई चोक करने का कंपटीशन होता तो आरसीबी भी गोल्ड मेडलिस्ट होती। एक और यूजर ने कहा कि जैसे एल इन लव स्टैंड्स फॉर लूजिंग मेंटल पीस, वैसे ही सी इन आरसीबी स्टैंड्स फॉर चोकिंग, रॉयल चोकिंग बेंगलुरु। मैच के बाद एक आरसीबी फैन रो रहा था तो उसके दोस्त ने उसे समझाया, करियर पे ध्यान दे भाई, विराट कोहली तेरे बच्चों का खर्चा उठाने नहीं आने वाला, हैशटैग सच्चा दोस्त। किसी ने पूछा लड़के और लड़की में क्या फर्क है, तो एक लड़के ने जवाब दिया, लड़कियां पानी पूरी खाने के बाद एक्स्ट्रा पूरी ना मिली तो उदास हो जाती है, लेकिन लड़के धोनी का सिर्फ एक रन देखने के लिए अपनी बाइक बेचने के बाद भी खुश हो जाते हैं। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देखकर हैरान हो रहे फैंस, सीएसके की जर्सी पहनते ही अचानक गंगाधर से शक्तिमान बन गए। अब ढोंगी बाबा लोगों का भविष्य सुधारने के लिए जादुई अंगूठी देने की जगह सीएसके की जर्सी देते हैं। आईपीएल का कैमरामैन कितना भी हरामी क्यों ना हो, लेकिन सीएसके के मैच के दिन लड़कियों को दिखाने की जगह सिर्फ धोनी को ही दिखाता है। इसीलिए लड़कियों से विनंती है कि सीएसके के मैच के दिन अपने पैसे मेकअप पर बर्बाद ना करें। आरसीबी के खिलाफ शिवम दुबे ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, मैच के बाद कहा, ऐसे तो मेरा एक पैर भी नहीं हिलता, लेकिन मेरी एक्स आरसीबी के खिलाफ पूरा शरीर हिल जाता है। जब धोनी डगआउट में शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे तब जियो सिनेमा की व्यूअरशिप 2.4 करोड़ तक पहुंच गई थी। सूत्रों से पता चला है कि अंबानी ने जय शाह को फोन करके रिक्वेस्ट की थी कि मैच 25 ओवर का कर दे, लेकिन जय शाह ने कहा, सॉरी मोटा भाई, ये नहीं हो सकता। एक सीएसके फैन ने धोनी पर लगाया संगीन आरोप, कहा धोनी अपने फैंस को बैटिंग के लिए इतना तड़पाते हैं जितना हम दिल दे चुके सनम मूवी में ऐश्वर्या रॉय ने सलमान को भी नहीं तड़पाया था। आम इंसानों की हॉबी होती है ड्रॉइंग करना, बुक्स पढ़ना, लेकिन विराट कोहली की हॉबी है नए बॉलर्स के सामने आउट होकर उनका करियर बनाना, और फिर जब वो बॉलर बड़ा बन जाता है तब उसकी बैंड बजाना। जडेजा को बैटिंग पर देखकर हर्षल पटेल को याद आया 37 रन वाला ओवर, इसीलिए उन्होंने दो नो बॉल डाल दिए और पतली गली से निकल गए।